वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। ये प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं। इन दोनों के चेहरे पर ये हंसी देखकर राजनीतिक गलियारों के कई नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई हैं। राजस्थान की राजनीति के उभरते धुरंधर नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल अक्सर कहते दिख जाते हैं कि सरकार में आपस में ही कुछ ठीक नहीं चल रहा और कांग्रेस के 30-40 विधायक सरकार तोड़ने को तैयार बैठे हैं। हालात खराब है, कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है, कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। बसपा की खरीद फरोख जरूर करिए, लेकिन कांग्रेस के भी 30-40 विधायक कभी भी पार्टी तोड़ सकते हैं, तैयारी में खड़ा है। दरअसल प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव है। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पद की लड़ाई को लेकर प्रदेश में कांग्रेस की खूब फजीहत हुई थी। कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी। एक धड़ा 2 बार के सीएम गहलोत के पक्ष में था तो वहीं दूसरा धड़ा युवा नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के पक्ष में। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली मगर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई, लिहाजा सीएम पद की दावेदारी को लेकर प्रदेश में जबरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों ही नेताओं से मुलाकात कर मामले को सुलझा लिया और सत्ता पर काबिज हुए 2 बार के सीएम और प्रदेश राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत। सत्ता भले ही गहलोत के हाथों में आ गई थी, लेकिन आए दिन राजनीतिक गलियारों से लेकर मंत्रिमंडल के बीच सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की दूरी दिख जाती थी। यहां तक कि कई बार मुखिया गहलोत ने मीडिया के सामने खुलकर कह दिया वो सीएम जनता की मांग पर, जनता के वोट पर बने हैं, तो वही डिप्टी सीएम कहते दिखे कि जनता ने वोट राहुल गांधी के चेहरे पर दिया है। कि पूरे गांव के अंदर ढाणियों में पिछले चुनाव के वक्त में एक भावना थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए, भाई नेम आ रहा था, बनने वाला नेम का नहीं, बनने वाले नेम आ रहे थे। जनता ने कांग्रेस को देखा, जनता ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देखा और तीनों राज्यों में सरकार जो बनी है वो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। हाल ही में अलवर के बहरोड़ में थाने पर बदमाशों के हमले को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने प्रदेशी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल सीएम गहलोत के हाथ में प्रदेश की कानून व्यवस्था का भी जिम्मा है, लिहाजा ये बात एक बार फिर अंतरकलह को उजागर करती दिखी। लेकिन हमें और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीद हम लोगों से है और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत अहम हिस्सा है गवर्नेंस का, उस पर हमें पूरी तरह काम करना चाहिए। अगर कोई कमी रही है उसको सुधारना चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, लोग अपना जीवन एक सुरक्षा के वातावरण में निर्वहन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। इसके वो स्वाभाविक रूप से सरकार को अटैक करने का उनका एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये बात भी सच है कि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पर और ध्यान देना चाहिए। अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें सरकार पूरी तरह गंभीर है और हमने कदम भी उठाए हैं ताकि इन चीज़ों को कंटेन किया जाए, ये दोबारा रिपीट ना हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो धौलपुर की घटना हो, अलवर की घटना हो, बहरोड़ की घटना हो, काफ़ी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है पिछले कुछ महीनों पर, इस पर हमें और गंभीरता से काम करना चाहिए। मगर कहावत है देर आए दुरुस्त आए। प्रदेश की राजनीतिक उठा पटक को देखते हुए एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभाल रही सोनिया गांधी ने पायलट को बुलावा भेजा और 10 जनपद से निकलने के बाद प्रदेश लौटे डिप्टी सीएम और सीएम के बीच की दूरी मिट्टी नजर आई और कई मौकों पर सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ नजर आए। अभी प्रदेश में 2 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव है और आने वाले समय में प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम और डिप्टी सीएम की ये गलबैयां क्या रंग खिलाती हैं और कांग्रेस के परचम को कितना बुलंदी पर ले जाती हैं, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।